कबीर साहब भी कहते हैं बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न को। हम एक उंगली आगे करते हैं, चार उंगली हमारी तरफ चलती हैं कि अपने आप को देखो कि तुम कैसे हो। दूसरों की कमियां हमें नजर आती हैं लेकिन अपने अंदर पड़ी हुई कमी कभी नजर नहीं आती, और जिस समय अपने दुर्गुण नजर में आ जाएंगे उसका हम सुधार कर लें, आठवीं भक्ति की पूर्ति हो जाएगी। जहां भक्ति है वहीं भगवान। रावण ने सीता माई का क्यों हरण किया? क्योंकि वो जानता है कि भजन हुआ नहीं है, हुई है भजनन तामस दिया, भजन हुआ नहीं, मुझे भी अपना उद्धार करना है तो क्या करूं। उसने विचार किया कि भक्ति माता का हरण कर लो, जहां भक्ति होगी वहां बैरागी लक्ष्मण और परमात्मा प्रभु राम जरूर होंगे और उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति वही है। एक बार पुनः आग्रह पूर्वक निवेदन है, सपने नहीं देखे पर दोषा, दोष देखने हैं तो अपने देखिए और गुण देखने हैं तो कृपया दूसरों के देखिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दो मित्र प्रयाग गए थे माघ नहाने के लिए, माइक खोलो, माघ मेले में गए, ये मतलब की बात है सुन लीजिए, एक महीना दोनों रहे। माघ मेले में कल्पवास करने से पूर्वज आनंद मनाते हैं, ऐसा से पुराण में लिखा है। तो एक महीना वह रहे, एक सेठ था और एक उसका और अपना कोई था आदमी। एक मास रह करके वो घर पर आए तो सेठ ने पूछा उस व्यक्ति को कि भाई प्रयाग की यात्रा कैसी रही? वो कहता है कि लाला जी हम तो कोई नहाने धोने को तो गए नहीं, हम तो तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ने को गए, तुम्हारी गड्डी निकालने को गए पैसों की, लेकिन तुम तो इतने चतुरा निकले कि पता नहीं पैसा तुमने कहां छिपा के रखा, तुम्हारी अटैची का ताला हमने तोड़ा, तुम्हारे बैग की चैन हमने तोड़ी, यहां तक के हमने तुम्हारी तकिए की खोली भी उतार करके देखी लेकिन पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने कहा भैया यही तो तुम गलती करके रहेगा, यही तुम गलती कर बैठे, तुमने मेरे तकिए की खोली उतार के तो देख ली थी, यदि तुम अपने तकिए की खोली उतार के देख लेते तो वह गड्डी तुम्हें तुम्हारे तकिए के अंदर मिल जाती। और यही हालात हो रही है कि हम दुनिया की खोलियां उतार उतार के देख रहे हैं, इतना बुरा है वो, इतना बुरा है, एक बार अपना भी तो खोला उतार करके तो, उनकी तो खोली है आंका तो खोला है, एक बार उतार करके देखिए, यानी अपनी कमियों का एहसास कीजिए, अपने दोषों को देखिए। हनुमान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले ही जो नाम हमारा तेहि दिन तारिन मिले आहार, प्रात ले ही जो नाम हमारा तेहि दिन ताहिन मिले हार। और ये बिल्कुल सही नहीं है कि हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है हनुमान का नाम लोगे तो खुरचन मिलेगी खाने के लिए, खुरचन।